हमने पिछले सेशन में आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी, एक ओपन एक्टिविटी जिसमें क्वीन दो चालों में चेकमेट करता है किंग को। ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है ये हमारी एकेडमी के बच्चों के लिए बहुत, मेरा मानना है बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ बिगिनर लेवल के प्लेयर के लिए, बिकॉज इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से आपको फ्लाइट स्क्वायर्स के बारे में उसकी अहमियत समझाता है, और साथ ही साथ ये एक बेस तैयार करता है एक चेस प्लेयर के लिए कि किस तरीके से वो पैटर्न्स रिमेंबर कर सकता है। तो जब आप बड़े लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जब चेस खेलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी चेस प्लेयर्स के जो गेम्स होते हैं वो पैटर्न्स पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं। जो पैटर्न्स होते हैं उसको वो रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, उन पैटर्न्स के अल्टीमेटली जो चेस प्लेयर्स होते हैं उनका दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए बहुत ही निपुण होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन सब चीज़ों को समझने में। तो उसकी शुरुआत एज अ बिगिनर लेवल पे आप हमारी एकेडमी के जो बच्चे हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस एग्जांपल में फ्लाइट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं। तो क्लियरली आप देख के समझ पा रहे होंगे H2 और H4 आर द फ्लाइट स्क्वायर्स फॉर ब्लैक किंग। अब हमको चेकमेट करना है राजा H4 या H2 तो आएगा ही, ये एक जनरल प्रिजम्पशंस है। तो अब जब अगर मान के चलिए राजा H2 आता है तो देखते हैं कि किंग का चेकमेट करने का क्या तरीका है। अगर लेट से अगर राजा H2 पे है, अब हमको चेकमेट करना है, तो आपका वजीर सिर्फ इस स्क्वायर से चेकमेट कर सकता है। इन केस अगर राजा H4 आता है तो आप दो तरीके से चेकमेट कर सकते हैं, एक है H6 और एक है G4। सो इन दिस केस सबसे पहली चीज आपको ये तीन पैटर्न्स याद रखने जरूरी है। लेट से वो H2 आना चाहता है और अब हमको G2 पहुंचना है दो चालों में, इसका मतलब हमें H4 रोकना पड़ेगा। H4 रोकते हुए हमें उसको अलाउ करना पड़ेगा कि आप H2 जाइए, और H2 जाने के बाद में हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम G2 स्क्वायर को कवर करें, क्वीन G2 चेकमेट। पर ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जिसके माध्यम से हम जी फाइल पे A3 से पहुंच सके, बिकॉज किंग्स F3 पे जो है वो उनने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ A3 से कोई तरीका नहीं है कि हम जी फाइल पे एंटर कर सके। साथ ही साथ G2 पे जैसे ही हम कवर करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके H2 फ्लाइट स्क्वायर को बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा H2 वाला जो चेकमेट करने का तरीका है वाया G2 स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट करें। नाउ लेट से H4 स्क्वायर हमारे पास एक प्रॉस्पेक्ट है, मतलब हम H2 स्क्वायर उसका बंद करने वाले हैं और H4 स्क्वायर खोलने वाले हैं। इन दिस केस हम कोशिश करेंगे कि G4 या H6 के पहुंचने के प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो G4 पहुंचने के प्रॉस्पेक्ट्स हमको ऐसे कोई भी स्क्वायर नहीं दिखते हैं जिसके माध्यम से हम G4 तो पहुंचे बट हम H4 को टच ना करें। जैसे लेट से अगर आप इस पर्टिकुलर केस पे देखेंगे, G4 आप पहुंच तो सकते हैं वाया दिस रो, बट आप H4 स्क्वायर को भी कवर कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि B4 से हम G4 स्क्वायर को कवर कर सकते हैं बट H4 स्क्वायर भी कवर हो जाएगा, और अल्टीमेटली H2 केस का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये कंक्लूजन निकालते हैं हम कि H4 स्क्वायर को हमको अलाउ करना है, H2 स्क्वायर को बंद करना है, तो उसके लिए हमें G4 से चेकमेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हमारे पास में ऑप्शन आ गया है, वो है H6। तो इस तरीके से हम ट्रेस डाउन करते हैं। ये आप निश्चिंत रहिए इतना कुछ कठिन प्रोसेस नहीं है। एक चेस ब्रेन जब आप प्रॉपर तरीके से फ्लाइट स्क्वायर्स कैलकुलेशंस पे जाएंगे, पैटर्न को समझेंगे, तो ये पर्टिकुलर बहुत ही इजी एरिया होगा, और ये इंटिट्यूली आपको H6 और G4 के पहुंचने के तरीके दिखेंगे। बस आपकी अभी हेल्प की जा रही है इस तरीके से कि आप उसको पहुंच सके, एटलीस्ट उसको अप्रोच कर सके। तो H6 स्क्वायर पहुंचने के लिए हमारे पास में तरीके हैं, किन किन जगहों से पहुंच सकते हैं हम H6। एक है D6, F8, C1, E3। इन चार स्क्वायर से हम
इस पर्टिकुलर h6 स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, बट अब आपको ये भी चीज़ देखना है, ध्यान रखना है कि मैंने एक और चीज़ बोली थी कि h2 स्क्वायर भी कवर होना चाहिए। तो हमारी वजीर की कौन सी ऐसी मूव आपको दिख रही है आउट ऑफ दिस फोर मूव्स f8 d6 e3 एंड c1 कि हम h2 स्क्वायर को भी कवर करें? तो जैसे ही आप देखेंगे आपको ये रूट दिखेगा कि इस पर्टिकुलर केस पे हमें ये कवर हो रहा है ताकि हम यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो जैसे ही हम ये चलेंगे वजीर की चाल, क्वीन d6, ब्लैक किंग विल फोर्सफुली प्लेड h4 मूव और हम सिंपली क्यू h6 चेक मेट। तो मेरे इस एग्जांपल से रिलेटेड या किसी भी अदर फैक्टर्स, जैसे शायद मेरे वीडियो की पेस थोड़ी तेज हो रही हो, मेरे वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो, या किसी भी तरीके का कोई भी इनपुट हो, हम वेलकम करते हैं, बिकॉज ये मेरे लिए एक नया वेंचर है। मैं पर्सनली ये बहुत चाहता था कि हम अपना कुछ एक ऐसा वीडियो लेक्चर सीरीज बनाए जिसमें मैं अपने अकेडमी के बच्चों को पर्टिकुलर क्लासेस में पढ़ाता हूँ, उसको हम ऑफलाइन डाउट सेशंस पे हम कन्वर्ट कर सकें। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं।